वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके यानी जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाएं या रिवीजन कीजिए। इसमें बताए सभी क्वेश्चन एंड आंसर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सपीरियंस एक्सपो। क्वेश्चन वन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां पर सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? 2012 से 2017। वर्ष 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक का नाम क्या है? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की थी। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम क्या है? पेरिनीज। पेरिनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के पौधे उगाने की डेपाग विधि विकसित किस देश ने की? फिलीपींस। फिलीपींस ने चाय की उगाने के लिए डेपाग विधि विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनांकिकी। जनांकिकी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय म्यांमार यानी बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। प्राचीन भारतीय म्यांमार यानी बर्मा को सुवर्ण भूमि नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की किस चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पर अपलोड होने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना साहिब में जन्मे सिख गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। पटना साहिब में जन्मे सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? केरल। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति। लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है? अमोनिया। अमोनिया गैस को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।